थपकी थपकी प्यार की। सुमन बाबू, क्या हो रहा था अंदर? बड़ी सासू माँ, वो थपकी रो रही है ना अंदर। उका है ना, बिहान देवर जी ने उका बैग वो ब्लीच कर दिया ना इलिए। बिहान ने की तुमने? सच सच बताना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों रुला रही हो तुम थपकी को? बड़ी सासू माँ, रोने से ना आवाज एकदम खुल जाती। आज ही हमने रेडियो में सुना है, इसे ना थपकी का रुक रुक के बोलना ठीक हो जाएगा, एकदम आवाज खुल जाएगी। हाँ, रोने से भी किसी का रुक रुक के बोलना ठीक हुआ है क्या? बेवकूफ हो तुम। होता है बड़ी सासू माँ, होता है। रेडियो वाले काहे झूठ बोलेंगे? आज ही हमने रेडियो में सुना है, एक बार ना, एक बार बड़ी सासू माँ हमरे खाते थपकी को ना जी भर के रोने दीजिए। उसके बाद थपकी का रुक रुक के बोलना ठीक नहीं हुआ ना, फिर ना, फिर आपका जूता और हमरा सर। सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, थपकी का रोना बंद हो जाए, तुम अपना सर लेके मेरे पास आ जाना, मैं जूता तैयार रखूंगी। इस तरह तो थपकी का अटक अटक के बोलना ठीक होने से रहा। हाँ कुमार अंकल, हाँ आप वहां पहुंच जाइए, हमने 4-5 लोग जमीन पे कब्जे के लिए पहले ही भेज दिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ आप चिंता मत कीजिए, ध्यान पांडे का काम एस्पोर्ट सॉलिड और एस्पोर्ट सुपर फास्ट है। बस आप, हाँ बस आप पैसे वक्त पे पहुंचा दीजिएगा। आप तो भाऊजी के उसूल जानते ही हैं। अरे बाप की बात सुनिए रोना, हमारा मतलब है हम आपको थोड़ी देर बाद फोन करते हैं। हाँ अब क्या आफत आ गई? अब क्यों रोना धोना मचा रखा है तुमने, वो भी बिना धुएं के? तुम्हें हम ही मिलते हैं क्या गुस्सा दिलाने के लिए? और तुम्हें मैं ही मिलती हूँ रुलाने के लिए? क्या मतलब, अब हमने क्या किया, हम क्यों रुलाएंगे तुम्हें? तो जो तुमने अपने कपड़ों के साथ मेरा बैग लीच होने दे दिया, तुम्हें पता भी है वो बैग मेरे लिए क्या था? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? भला हम क्यों ऐसा करेंगे? तुमने वो धुए वाली बात का बदला निकाला ना मुझसे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पता नहीं क्या बोले जा रही हो, क्या सोचे जा रही हो, कुछ होश भी है क्या बोल रही हो? अब ये रोना बंद करो, हमारे कानों में दर्द हो रहा है। तुम्हें बैग ही चाहिए ना, हम दूसरा ला देंगे। क्या क्या दूसरा ला कर दोगे बिहार? मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी है तुमने, मेरी जिंदगी दूसरी ला सकते हो? कभी अपनी गलती तो मानोगे नहीं, बस तुम्हें सामने वाले को हर्ट करना आता है। ये बैग मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, और कोई भी दूसरा बैग इसकी जगह नहीं ले सकता। अब रोलो जितना रोना है। ये किसका फोन बज रहा है, वो भी आगरा वाले नंबर पे? हेलो। हाय, पहचाना? नहीं, दिवाकर बात कर रहा हूँ। फाइनली मेरी ये ट्रिक काम कर गई। ओ हाँ, कल तो तुमने रॉन्ग नंबर बोल के मेरा फोन काट दिया था डार्लिंग। हाँ कल कॉल काटा था, क्योंकि आज पक्का वाला कनेक्शन जो जोड़ना था। मैंने नया सिम कार्ड खरीदा है, 3,000 मिनटों वाला फ्री, ताकि हम आराम से बात कर सके। क्या है ना कि हमारी प्रेम कहानी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारी ये प्रेम कहानी आगे कैसे बढ़ेगी,
तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना जानेमन? हाँ, होने वाली है शादी, लेकिन क्या है ना कि ये एक शादी नहीं है, ये एक मजबूरी है। लड़की का बाप मरने वाला है, आखिरी सांसें गिन रहे, पर तुम तो जानती हो कि मैं तो ठहरा भगवान का आदमी, तो सोचा किसी के भले के लिए कर लेता हूँ शादी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा। तुम बस इतना बताओ जानू, कब मिल रही हो मुझे? बहुत जल्द। आए आए। दादी माँ, दादी माँ लाइए आरती के लिए हार, मैं बना देती हूँ, आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। नहीं बेटा, मैं बना लूंगी। अच्छा सुन, राधे कह रहा था कि तेरा बैग खराब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, पर तू ना दुखी मत हो ना। हाँ दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पूरी तरह ठीक कर दूंगी। वो जो कपड़ों पे लगाने वाला फैब्रिक आता है ना, वही कलर में अपने बैग पे दोबारा भर दूंगी, तो वो पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि दादी माँ, मैं उस बैग को अपने से कभी अलग नहीं कर सकती। ऐसे अच्छे गुण इस घर की बाकी औरतों को भी सिखा दे। अच्छा चल ठीक है, ये माला तू बना, मैं चलती हूँ। हैं? ठीक है। धक्की का रोना तो बंद हो गया है, अभी तक तो इसकी आवाज भी खुल गई होगी। अभी जाके पता करते हैं, एक अटक अटक कर बोलना बंद हुआ है। सबूत के लिए ना एक आवाज भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अरे थपकी, भगवान के लिए माला बना रही हो का? हाँ भाभी, आपको भी बनाना है? अरे नहीं नहीं, हमका नहीं बनानी है, हमका ना गणेश जी की आरती सीखनी थी। तुमका तो आते ही हो गया ना, सिखाओगे हमका? तो चलो सिखाओ सिखाओ, जल्दी चालू करो। ठीक है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। हो गया चमत्कार, धपकी का अटक अटक कर बोलना हमने ठीक कर दिया। लटवन का भोग लगे तो संत की जय सेवा, एक दंत दयावंत चार बुझा धारे, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। भाभी मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना पूरी आरती की बुक ला दूंगी, फिर आप उन्हें याद कर लेना और हम दोनों एक साथ आरती करेंगे, ठीक है? अच्छा मैं अभी आती हूँ। थपकी का रुक रुक के बोलना तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, अब बड़ी सासू माँ ना हमारी खाल उधेड़ देगी, अब क्या करें, हमका कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान जी जवाब दो, थपकी का रुक रुक कर बोलना ठीक हो गया? साफ सुन गया है क्या? छोड़ो, मैं खुद बात करती हूँ थपकी से। एक मिनट बड़ी सासू माँ। बड़ी सासू माँ, हमने थपकी की आवाज ना इन मोबाइल में रिकॉर्ड कर दी है, आप खुद ही सुन लीजिए ना। सुना? जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश।
ये पूरा साफ साफ गा रही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुक रही है। सुमन बाबू, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुमने सबकी की कमी को दूर कर दिया। वो शाबाश बेटा, शाबाश। मैं तबके से बात करती हूँ। इतनी बड़ी सासू माँ, हमारी बात तो सुनिए। वीडियो रिकॉर्डिंग की दुकान पे जाके हमने तबके की आवाज ठीक तो कर दी, पर तबके ने कहीं बड़ी सासू माँ के सामने मुंह खोल दिया तो नहीं, नहीं वो कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है तबके? कमरे में है क्या? सुमन बहू, नमस्ते। वसुंधरा जी, आप सब लोग नमस्ते। नमस्ते। हम हर घर में गणेश जी के दर्शन करने निकले थे, पर जब तक आपके घर के गणेश जी के दर्शन ना कर ले तब तक हमारा त्योहार पूरा नहीं होता। इसीलिए हमने सोचा कि पहले आपके घर गणेश जी के दर्शन कर ले। चलो, आज इन लोगों की वजह से बच गए हम। अब बड़ी सासू माँ थपकी से बात नहीं करेगी और सच भी सामने नहीं आएगा। अगर थपकी का अटक अटक के बोलना ठीक हो गया है तो ये अच्छा मौका है सबके सामने ये सच लाने। बिहान भी थपकी को ठीक से बोलते हुए सुनेगा तो हो सकता है कि उसके दिल में भी थपकी के लिए जगह बन जाए। बहुत शुभ मुहूर्त में आए हैं आप लोग यहाँ पर, बस आरती शुरू ही होने वाली है। आप लोग भी सब आरती में शामिल होइए हमारे साथ, और आज आरती थपकी गाएगी। पर थपकी तो थपकी अब रुक रुक कर नहीं बोलती है बहन जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे वसुंधरा जी, ये तो चमत्कार हो गया मानो। जी हाँ, बहुत मेहनत करके हुआ है ये चमत्कार। सुमन भाऊ, इधर आ जाओ। थपकी और बिहान को जल्दी से लेकर आओ, आरती शुरू करनी है ना। आज हम सब लोग पहली बार थपकी को बिल्कुल ठीक से बोलते हुए सुनेंगे। आइए चलो। जी सुमन भाऊ, तुम गई नहीं अभी तक, जाओ जाके थपकी और बिहान को लेकर आओ। पता है आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत खुश हूं तुमसे सच में। जाओ ले आओ थपकी को। हाँ बड़ी स... और क्या करते, डर के मारे हमने प्राण ही सूख रहे थे तो हमने बोल दिया। पर बड़ी सासू माँ ने तो सारे सारे नेबर्स वालों को बोल दिया है कि थपकी का रुक रुक कर बोलना ना ठीक हो गया। अगर थपकी सबके सामने रुक रुक कर आरती गाएगी तो बड़ी सासू माँ की कितनी इंसल्ट होगी। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि का... लेकिन भाभी, माँ ने सबसे यही क्यों कहा कि थपकी का रुक रुक कर बोलना ठीक हो गया? बिहान देवर जी को हम नहीं बता सकते कि हमने ये सब इनको और थपकी को मिलाने के लिए किया है, वरना बड़ी सासू माँ तो हमको सचमुच में मार डालेगी। वो देवर जी, हमने थपकी की आवाज में ना आरती रिकॉर्ड की थी और फिर रिकॉर्डिंग वाली दुकान में जाके ना उसका अटकना ठीक करा दिया था, ये देखने के लिए कि थपकी बिना रुके बोलती है तो कैसे बोलती है। और वो रिकॉर्डिंग ना बड़ी सासू माँ ने सुन ली और उनको ऐसे लगा कि थपकी का अटक अटक के बोलना ठीक हो गया है, और उन्होंने ना पूरी नेबर्स की लेडीज को ना थपकी के बारे में बता दिया और उन्होंने कहा कि आज थपकी आरती गाएगी। अगर थपकी ने रुक रुक कर आरती गाई ना तो बड़ी सासू माँ की इज्जत का तो फालूदा ही हो जाएगा। भाभी, आपके पास वो थपकी की आरती वाली रिकॉर्डिंग की सीडी है ना? हाँ, ये लीजिए। हेलो, देखी मेरी सेल्फी? कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल हीरो, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तुम तो सच में बहुत ही हैंडसम हो। हैंडसम तो लगूंगा, इसीलिए तो तुम मुझसे प्यार करती हो। और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? करता हूँ ना, लेकिन क्या है, जब तक मैं तुम्हें देखूंगा नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, मतलब
अगर मैं सुंदर नहीं हुई तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? अरे भाई, जब आवाज ही इतनी मीठी है, जाहिर सी बात है तुम सुंदर तो होगी। जानू, मुझे मिलो ना। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है तुमसे मिलने का, पर क्या करूं? तुम्हारी उस मंगेतर का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए मंगेतर। मतलब कि मैंने तुम्हें कहा था ना, उसके पापा बस आखिरी सांसें गिन रहे, इसीलिए मेरे गले की हड्डी बन के बैठी है ये हिप्पोपोटामस। पर शादी तो तुम उसी से करोगे ना? क्या है, एक बार उसकी और मेरी शादी हो जाए और उसकी सारी की सारी जायदाद मेरे नाम पे, बस फिर मरे तो मरे तुम और मैं। अच्छी सी जगह पे घूमने जाएंगे शादी के बाद, किसी आइलैंड पे, सिर्फ तुम और मैं। हाय हाय, तो बोलो अब तो मिलोगी ना मुझे? हाँ, तुमसे मिलना तो पड़ेगा ही। अब मैं रखती हूँ, कब मिलना और कहाँ ये मैं बाद में बताती हूँ। वाय हाय हाय हाय। दिवाकर, अब तू नहीं बचेगा, तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम ये सीडी चलाओगे और मैं होठ हिलाकर इस पे आरती गाने का नाटक करूंगी? हाँ, क्योंकि इससे सबको लगेगा कि तुम्हारा रुक रुक कर बोलना ठीक हो गया। यही एक रास्ता जिससे सबके सामने इज्जत बचाई जा सकती है। नहीं बिहान, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। मेरी इतनी बड़ी कमी को जानते हुए भी वो पहली इंसान थी जिन्होंने मुझे इस घर में अपनाया था। उसी माँ के लिए कह रहे हैं, क्योंकि माँ को कहीं से गलतफहमी हो गई है कि तुम्हारा रुक रुक कर बोलना ठीक हो गया है। और उन्होंने पूरी मोहल्ले की औरतों को बुला लिया ये कह के कि गणपति आरती तुम गाओ, वो भी बिना रुके। अब उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही कर। आओ थपकी बहू, बड़ी खुशी की बात है तुम्हारा रुक रुक के बोलना ठीक हो गया। अरे सबसे ज्यादा खुशी तो वसुंधरा जी को हो रही होगी, क्योंकि इन्होंने ही तो पसंद किया है थपकी को अपनी घर के बहू के लिए। चलो अब थपकी बहू, जल्दी से आरती शुरू करो। हाँ हाँ, चलो। लो बेटा, आरती शुरू करो तुम। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लटवन का भूख लगी संत की जय सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, एक दंत दयावंत चार बुझा धारे, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लटवन का भूप लगी संत की जय सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, एक दंत दयावंत चार बुझा धारे।